नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने प्रेस वार्ता कर आगामी 1 अक्टूबर को मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में मुजफ्फरनगर के जाट समाज से पहुंचने का आह्वान किया और उनके साथ संवाद कर बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आयोजक राम अवतार पलसानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 अक्टूबर 2023 को मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश और विदेश से जाट समाज के लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह जाट संसद राजनीतिक होगी और इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अपने हक अधिकार और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए एक बहुत विशाल संसद का अधिवेशन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियां पूरे देश और दुनिया में चल रही है। उन्होंने कहा कि आज के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव गलियों में घूम घूम कर मेरठ में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का निमंत्रण दिया जाएगा। संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 1 अक्टूबर 2023 को मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी देश और दुनिया की जाट समाज अपने मान सम्मान स्वाभिमान और अपने हक और अधिकार के लिए अपने गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन होने जा रहा, उसकी तैयारियां पूरे देश और दुनिया में चल रही है। हमने मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम है उसी का निमंत्रण लेकर के आज मुजफ्फरनगर आए हैं। या जाट संवाद बैठक करके पूरी जाट समाज को आह्वान करेंगे कि 1 अक्टूबर की तैयारियों को जोर शोर से करके और जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में हम घूम रहे हैं उस मेरठ के कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है कि जाट समाज की पूरी दुनिया के लोग जब मेरठ में आएंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए तो पूरी दुनिया के जाट समाज उस मंच पर आकर के मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चाएं करेंगे, अपने गौरवशाली अतीत को याद करेंगे और इस तरीके से लगातार पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर आज के बाद में संवाद बैठकों का दौर चलेगा, गांव गलियों में घूम घूम करके उसका निमंत्रण दिया जाएगा। 10 से 15 हजार लोगों के लिए आने की हमें उम्मीद है और हमने बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। अब जैसे 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 कार्यक्रम की रूपरेखाएं बनती चली जाएगी वैसे वैसे हम तैयारियां आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से जो हमारी कौम के लिए किसी भी सामाजिक संगठन में किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। उस मंच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जाट समाज की बातें होगी, जाट समाज के इतिहास के ऊपर चर्चा होगी, किस तरीके से जाट समाज के सामने भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने की जो चुनौती है उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई गैर राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जाट समाज के हक अधिकार मान और सम्मान की चर्चाएं और बातें होगी। चौधरी के हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, पुराने समय से सामाजिक संगठनों को अगुवा रहे हैं, उन सभी को भी बुलाया जा रहा है, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे खाप महासभाएं हो, महापंचायत हो या खाप चौधरी हो, सभी को गैर राजनीतिक रूप से उस साझा कार्यक्रम होगा जिसमें एक मंच पर आकर के पूरी दुनिया में विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे। मेरा नाम परमेश्वर कलवाणी है, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद कि ये कार्यक्रम सबसे पहले तो इसकी थीम रहती है हमारे समाज की कला शिक्षा साहित्य संस्कृति और जो गौरवशाली जाट इतिहास है उसे जन जन तक पहुंचाना और इसके साथ साथ में राजनीतिक रूप से जो हमारा समाज आज हाशिए में उससे फिर से मजबूती मिले इसके लिए एक सामाजिक एकजुटता सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी एकजुटता को गैर राजनीतिक रूप से बढ़ाने के लिए बेशर्ते सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों में काम करें लेकिन हम चाहते हैं कि साल में एक दिन ऐसा तय हो जिस दिन सारे समाज के लोग जब पूरी हर पार्टी का व्यक्ति अगर एक मंच पर आके अपनी बात रखता तो समाज को भी ताकत मिलती है और पूरी 36 बिरादरी को ताकत मिलती है कि आज भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सारे जाट इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ हमारे सामाजिक कुरूतियों के खात्मे पर चर्चा होती है, जाट इतिहास पर चर्चा होती है, तमाम सामाजिक मुद्दों के ऊपर वहाँ पर चर्चा होती है। इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम मेरठ के अंदर देखिए महापुरुषों का अगर स्मारक लगे तो देश के अंदर महाराजा सूरजमल है, महाराजा रणजीत सिंह है, शहीद भगत सिंह है, चौधरी छोटू राम है, चौधरी चरण सिंह जी है, बाबा टिकैत हैं, इन महापुरुषों के भी अगर दुनिया के चित्र लगे तो इनके भी लगने चाहिए क्योंकि ये भी इन्होंने कभी भी जाट कौम में जन्म लेके कुल जाट के लिए काम नहीं किया, इन्होंने 36 बिरादरी को मान सम्मान देने के लिए काम किया। हमने तो भारत रत्न के लिए भी हमारी कौम के महापुरुषों में चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप जी के लिए मांग रखी है कि इनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए।